Assalamu alaikum and a very good afternoon from Rahim Yar Khan. तो दोस्तों आज हमारा वापसी का सफ़र है, लेकिन शालीमार एक्सप्रेस लेट हो चुकी है, जिसकी वजह से मेरे पास कुछ टाइम है। अब इस टाइम को मैं ऐसे यूटिलाइज़ करूँगा कि शहर में जाता हूँ, घूमता फिरता हूँ और आपको रहीम यार खान के मुख्तलिफ़ इदारे और मुख्तलिफ़ जगहें दिखाता हूँ। ठीक है जी, हम स्टेशन से निकलते हैं और शहर की तरफ चलते हैं। ये रेलवे चौक है और ये वो जगह है जहाँ पे मेरा बचपन गुजरा हुआ है। हम लोग इसी एरिया में रहा करते थे, 15 साल मेरे यहाँ पे गुजरे हैं। ये जो सामने पंजाब साइकिल स्टोर वाली बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये उस ज़माने में हमारी शॉप और हमारा घर यहाँ पे हुआ करता था। अब तो ये बहुत बड़ी शॉप बन गई है, बड़ी बिल्डिंग बन गई है। उस वक्त ये सिर्फ एक शॉप होती थी और उसके ऊपर एक मकान हुआ करता था। शाही रोड, रहीम यार खान। ये सारी साइकिलों की मार्केट हुआ करती थी, लेकिन अब हर कोई मोटरसाइकिल खरीदता है क्योंकि साइकिलों की अब डिमांड नहीं रही। आजकल इलेक्शन का मौसम है तो हर तरफ सियासी पार्टियों के बैनर्स लगे हुए हैं। ये जमात इस्लामी का मेन ऑफिस है, चौधरी बुक डिपो। बचपन में हम यहाँ से स्टेशनरी और किताबें लिया करते थे। उस्मान बुक डिपो, उस ज़माने में रिजल्ट, मैट्रिक का रिज़ल्ट, इंटर का रिज़ल्ट यहाँ पे आता था और यहाँ से आके हम मालूम करते थे कि हमने क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं। ये शहर का पहला फ्लाईओवर है और इसकी दूसरी पार अब्बासिया टाउन है, जो कि शहर की एक पोश कॉलोनी समझा जाता है। पहले किसी ज़माने में वहाँ पे अब्बासिया मिल हुआ करती थी। हमारे कज़न्स भी इसी अब्बासिया टाउन में रहते हैं। पुलिस स्टेशन। अब रहीम यार खान शहर में जगह जगह ब्रांड्स के आउटलेट्स मौजूद हैं। रहीम यार खान का पहला मॉल, अगरचे आउटलेट्स की स्ट्रीट्स तो हैं लेकिन ये प्रॉपर मॉल बना हुआ है। तो एक काम करते हैं, अंदर जाके देखते हैं कि ये कैसा है। जैसे लाहौर का एम्पोरियम है, ये कराची का लकी वन है, मेरे ख्याल से उसी का ये स्मॉलर वर्जन होगा। वाह, कैप्सूल लिफ्ट। हमारे दौर में इस लोकेशन पे गैलेक्सी सिनेमा हुआ करता था। सिनेमा खत्म हुआ तो उसकी जगह इन्होंने मॉल बना दिया। एस्केलेटर्स, आई होप दे वर्क। No, they are not. नहीं काम कर रहे। चलो हम ऊपर वैसे ही चले जाते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, ये लकी वन या एम्पोरियम लाहौर का स्मॉलर वर्जन है। पोस्ट ऑफिस, मुझे याद है कि मैं जब टीनेजर था तो इसी पोस्ट ऑफिस में आके मैंने अपना सेविंग्स अकाउंट खुलवाया था। बैक पे टाउन हॉल है और एक मरकजी चौक है। किसी ज़माने में बड़ा ख़तरनाक मोड़ हुआ करता था, यहाँ पे बड़े एक्सीडेंट्स हुआ करते थे। इस लेन में कैपिटल किचन, पिज़्ज़ा टाउन और लासानी पुलाव, ये तीन आउटलेट्स हैं और मुझे यकीन है तीनों का खाना बहुत मज़े का होगा। मैंने तो सिर्फ कैपिटल किचन ट्राई किया था, लासानी ट्राई करने का मौका नहीं मिला। पहले मैं वॉक कर रहा था, अब मैं एक चिंची पे सवार हो गया हूँ जो कि आगे मुझे अस्पताल उतारेगा।
अभी कुछ देर में हम मरकजी अस्पताल पहुंचेंगे। शेख जायद अस्पताल, ये रहीमयार खान का बड़ा सरकारी अस्पताल है और बतौर एक सरकारी अस्पताल इसमें अच्छी सहूलियात है। जिन लोगों ने भी यहाँ से इलाज वगैरह करवाया वो बताते हैं कि ये एक अच्छा अस्पताल है और इसमें अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ तक के सिंध और बलूचिस्तान से लोग भी यहाँ पे आते हैं और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि काफ़ी सारी एम्बुलेंसेस भी यहाँ पे खड़ी हुई हैं, लेकिन ये तो प्राइवेट एम्बुलेंसेस लग रही हैं। रोड्स वगैरह देखें यार, कितने मज़े के हैं। कहीं कहीं टूटे फूटे रोड्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे मैंने देखा है कि रोड्स बहुत अच्छे हैं। किसी ज़माने में यहाँ पर महमूद स्टेडियम हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बना दिया गया है। तो तालीम के अतबार से देखे जाए तो बेहतरीन तालीमी अदारे भी रहीमयार खान में हैं। ये सारी उसी कॉलेज की बिल्डिंग है। ये ख्वाजा फरीद कॉलेज है जहाँ पे मैंने 2 साल इंटर की तालीम हासिल की थी, तो यहाँ से भी हमारी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। आगे हमारे सामने आ रहा है जुगनू चौक। ये जुगनू चौक का इलाका है और ये उसका पार्क है। हमारे दौर में तो ये पार्क बस एक ग्राउंड था, लेकिन अब इन्होंने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया है और मेंटेन किया है। रहीमयार खान में कम से कम 3-4 पब्लिक पार्क्स मैंने देखे हैं और वो सब के सब बहुत अच्छे बेहतरीन मेंटेन हुए थे। बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से उनको मेंटेन किया गया है। ये जुगनू चौक का इलाका है, यहाँ पे भी मेरे कम से कम 4-5 साल गुजरे हैं, हम यहाँ पे भी रहा करते थे। काफी पैदल चल लिया, अब मैंने एक मोटरसाइकिल राइड बुक की। ये खानपुर अड्डा है और यहाँ से मुल्तान और भावलपुर के लिए गाड़ियाँ निकलती हैं। किसी ज़माने में ये मरकज़ी अड्डा हुआ करता था, सेंट्रल बस स्टैंड, लेकिन अब फैसल मूवर्स, डाइवो, उनके अपने टर्मिनल्स बन चुके हैं और दूसरे बस अड्डे भी यहाँ पे हैं। ये नहर है, लेकिन इस टाइम तो नहर सूखी हुई है, शायद सफाई वगैरह के लिए इसको बंद किया हुआ है, वरना यहाँ पर बड़ा पानी से भरी होती है, ठाठे मारता हुआ पानी होता है। ये कनाल रोड है जिसके साथ साथ ये शादी हॉल वगैरह, मार्केट वगैरह बने हुए हैं। हेरिटेज हॉल, यहाँ पे कज़न बिलाल भाई का वलीमा यहाँ पे हुआ था। काफ़ी खूबसूरत शादी हॉल्स हैं। सुपीरियर कॉलेज का कैंपस, ये रहीमयार खान का बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है। ये बाइक वाले भाई ने पेट्रोल डलवाना है। पहले मेरा इरादा था कि गोप्रो कैप माउंट में लगाऊं, कजन से मोटरसाइकिल लूं और खुद आवारागर्दी करूं, लेकिन बाद में मैंने चेक किया तो कैप तो थी, गोप्रो भी था, लेकिन उसका माउंट नहीं था, तो बस जल्दबाजी में तैयारी करते हुए भूल गया। ये रोड आगे शेख जायद के मोहल्लात की तरफ जाती है, लेकिन हम अभी इतनी दूर तो नहीं जा रहे,
वाह क्या खूबसूरत नज़ारा है, पंजाब की धरती जरखेज धरती। रहीम यार खान की खास बात यह है कि यहाँ पे ये ज़रई इलाका है, लेकिन इससे कुछ फासले पे आगे डेजर्ट शुरू हो जाता है। खूबसूरत जरखेज। वाह जी वाह, डिज्नीलैंड, डिज्नीलैंड फेक या डिज्नीलैंड की कॉपी कह लें, लेकिन बिल्डिंग वगैरह उन्होंने अच्छी उसकी मजे की बनाई है, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। ब्यूटीफुल। पाकिस्तान में आम लोगों के पास एंटरटेनमेंट के बहुत ही महदूद मौके होते हैं, तो ऐसे में बच्चों के लिए ये एक अच्छी जगह है। एंटरटेनमेंट राइड्स, मुझे आइडिया पसंद आया। ये ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी का कैंपस है, इसमें हम आउटसाइडर्स हैं तो हमें विज़िट करना अलाउ नहीं है, लेकिन उसका हमारे पास टाइम भी नहीं है क्योंकि अंदर जाके घूमने का तो टाइम नहीं है, हमें मुख्तसर वीलॉग बनाना है इसलिए। इसी रोड पे आगे जाके क्रिकेट स्टेडियम भी आता है। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और ये भी हिज हाइनेस शेख खलीफा का बनाया हुआ है। यहाँ एक साइड पे लेफ्ट साइड पे क्रिकेट ग्राउंड है और आगे हॉकी ग्राउंड है, तो ये आप देख सकते हैं ये हॉकी ग्राउंड है, लेकिन लगता नहीं है कि आजकल यहाँ पे स्पोर्ट्स हो रही हैं। पहले ये पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शहर के अंदर था, लेकिन वहाँ पे इन्होंने मेडिकल कॉलेज बना दिया और इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। ये क्रिकेट ग्राउंड है और मैं इस वक्त पिच पे मौजूद हूँ, वो सामने पवेलियन है। दिल तो मेरा कर रहा है कि मैं यहाँ पे क्रिकेट खेलूँ, लगता नहीं है कि यहाँ पे आजकल मैचेस हो रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी मेंटेनेंस अगर की जाए तो ये जो ग्राउंड है ये स्पोर्ट्स के लिए रेडी होंगे। सरसों गाना याद आ गया, तुझे देखा तो ये जाना सनम। ठीक है जी, यहाँ से हम बाइक वापस घुमाते हैं शहर की तरफ। यहाँ से कुछ फासले पे इत्तेहाद गार्डन है, उसको भी टच कर लेते हैं। सिंध की साइड से आए तो पंजाब का पहला डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान लगता है, अगर बलूचिस्तान वाली साइड से आए तो डेरा गाजी खान और रहीम यार खान लगते हैं। तो रहीम यार खान में काफ़ी सिंधी अमीर लोग, वडेरे, बलोच अमीर, सरदार वगैरह, उन्होंने भी अपनी रहाइश गाहें रखी होती हैं। लोग कहते हैं कि रहाइश के लिए रहीम यार खान और बिज़नेस के लिए सादिकाबाद बहुत अच्छी जगह हैं। सूरज, धुंध, कोहरा और सरसब्ज धरती, क्या खूबसूरत कॉम्बिनेशन है।
ये जी इतिहाद गार्डन है जो कि मरियम नवाज के समधी चौधरी मुनीर का प्रोजेक्ट है। इसको रहीम यार खान का बहरिया टाउन कहते हैं, लेकिन ये इतना भी कोई ख़ास नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक कंस्ट्रक्शन अलाउ करते हैं ये, और उस वजह से पाकिस्तानी आवाम को कई दफ़ा ये चीज़ें पसंद नहीं आती कि जी रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों हैं। इस रोड पे आपको पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के झंडे नज़र आ रहे हैं, इमारात के शेख और पाकिस्तान की अहम शख्सियात की तस्वीर भी यहाँ पे हैं। इसकी वजह यह है कि इस इलाके में आगे जाके एयरपोर्ट भी आता है, और मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्म तो नहीं है, लेकिन बहरहाल इस इलाके में हो सकता है कि उनका आना जाना हो, उसी वजह से इन्होंने यहाँ पर ये फ्लैग्स वगैरह लगाए हुए हैं। ये इत्तेहाद गार्डन अंदर नज़र आ रहा है जहाँ पे मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है। ठीक है जी, हम शहर के अंदर अपना सफ़र जारी रखते हैं। अच्छा जी, ये पायलट स्कूल है, गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल। अगरचे गवर्नमेंट का स्कूल है, लेकिन ये बहुत अच्छा स्कूल माना जाता था। तालीम और स्पोर्ट्स दोनों में पायलट स्कूल बेहतरीन था। ये ख्वाजा फरीद कॉलेज का गेट है, ये हमारे ज़माने में तो खुला होता था, लेकिन लगता है कि अब ये बंद हो गया है। अब इसकी मेन एंट्रेंस एक ही साइड से, आगे देखते हैं अगर यहाँ पर हमें कोई इसकी मेन एंट्रेंस, यहाँ से अगर हमें कोई इसकी एंट्रेंस खुली मिल जाए। यहाँ पे जो आगे ये रेडियो वगैरह खड़ी होती थी, यहाँ से दही भल्ले और समोसे बड़े मज़े के मिलते थे, चाट वगैरह। अब पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, अब तो कभी ट्राई नहीं किया। ये पब्लिक स्कूल है, और हमारे दौर में तो ये को एजुकेशन हुआ करता था। मैंने यहाँ पे 1987 से लेके 1991-1992 तक तालीम हासिल की थी। अभी तो ये बंद है, अगर मेरी कोई सिस्टर वगैरह साथ होती तो हम शायद उनसे पूछते कि भाई हमें अंदर जाके स्कूल देखने की इजाज़त दी जाए। ये क्लिप खास तौर पे कांजू भाई के लिए। कांजू भाई, मैं स्पेशल तुहाड़े महल्ले च आया इस वास्ते कि आके इत्थे एक क्लिप बनावा, और तुहाड़े वास्ते मैं खास क्लिप बनावा। शहर में नून लीग के उम्मीदवार मियां इम्तियाज़ अहमद ने हर जगह पे भरपूर इंतखाबी कंपेन चलाई है। मेरा अंदाज़ा है कि वोट पीटीआई को पड़ेगा, लेकिन जीतेगी नून लीग, या कम से कम गवर्नमेंट नून लीग बनाएगी। अब ये अंदाज़ा है, देखें ये पूरा होता है या नहीं। अगर दोस्त सवाल करेंगे कि ऐसे कैसे होगा, तो ये वैसे ही होगा जैसे 2018 के इलेक्शन में इलेक्शन की रात आरटीएस बंद करके हुआ था, वैसे होगा ही है। अभी हम अब्बासिया फ्लाईओवर से गुजरते हुए कज़न के घर जा रहे हैं, जहाँ से फिर हम डिनर के लिए निकलेंगे। नहीं, 2 बजे उसका करेक्ट टाइम है। किसका? पाक बिजनेस एक्सप्रेस का। और अगर वो लेट हो गई, मैं भी उसी पे आया था ना, तो वो तकरीबन 3:30-4 बजे भी हो सकती है। फिर पूछें ताजिका को साथ ले ले। पूछ लो। जरा एक कहते हैं तो यार। अभी हम डिनर के लिए जा रहे हैं। ये सामने यूनिलीवर मिल्स का गेट है। यूनिलीवर का प्लांट काफी बड़ा है, और यहाँ पे बहुत से रहीम यार खान वालों को जॉब्स मिली हुई हैं, और लोकल बिजनेस को यूनिलीवर की वजह से काफी फायदा है। अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग फ्रॉम रहीम यार खान। आज हम डिनर करने के लिए आए हैं अपने फेवरेट कैपिटल किचन। यकीन करें, लाहौर कराची में मैंने ऐसा
रेस्टोरेंट नहीं देखा जिसकी रेसिपीज इतनी यूनिक हैं। ज़्यादातर रेसिपीज़ के बारे में कहते हैं कि वो मैक्सिकन खानों से इंस्पायर्ड हैं। यहाँ पे मैंने जितनी भी डिशेस ट्राई की हैं सब की सब यूनिक थी। इनकी पोटैटो स्किन स्टार्टर बहुत अच्छा है और इनकी जो चिकन की स्ट्रिप्स, चिकन स्ट्रिप्स बड़ी ज़बरदस्त थी इनकी। और उसके अलावा रैप वगैरह ट्राई किया, वो बहुत अच्छा था, हेल्दी रेसिपी थी उसकी। और मज़े की बात यह है कि ये सब डिशेस इंतहाई रीज़नेबल, बल्कि मैं तो कहूँगा सस्ते प्राइसेस पे अवेलेबल हैं। 300 से 600 के दरमियान इनकी अक्सर डिशेस होती हैं। तो चलें जी, हम चलते हैं कैपिटल किचन और चल के इंजॉय करते हैं हम। ये है नेचोस चिकन और चिकन ब्रेस्ट डीप फ्राइड, और साथ में ये है पोटैटो स्किन। इसके अंदर चिकन और इंतहाई मज़े की सॉस भी साथ लगी होती है, और ये नॉर्मल सा चिकन बर्गर है। तो बहरहाल जी, मुझे इनकी बुफेलो सॉस बहुत पसंद है। ये चिकन हर्ब है। तो ठीक है जी, हम अपने खाने को एंजॉय करते हैं। देखता हूँ मैं अभी। तो जी, खाना बहुत मज़े का है, हम खाना एंजॉय करते हैं। और इसके साथ ही मैं इस वीलॉग का एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए। शुक्रिया। चिकन हर्ब।